Hello everyone, these are your important MCQs of chemistry, class 10th, chapter number 2 acids, bases, and salts. Question number 1 is which salt is neutral salt? So, here option B, your ammonium acetate. This is a neutral salt. Next is what happens when a base is added to vanilla? then your right option is vanilla loses its smell okay when it is added to a base it loses its smell question number three which element is always present in arrhenius acid right answer is the element present in arrhenius acid is hydrogen option c is right one विच एसिड इज यूज इन कोला टू गिव इट अ बाइटिंग शार्प टेस्ट दैट इज टार्ट्रिक एसिड ऑप्शन बी विच वन अमंग द गिवन इज अ वीक बेस तो वीक बेस कौन सा है बेटा इसमें से आपको जो दिए हुए हैं तो सबसे जो वीक बेस है दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड नो सी ऑप्शन इज राइट वन अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक इन नेचर ऑप्शन ए इज राइट वन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अब ये वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है जैसे आपने वॉशिंग पाउडर में पड़ा है ना कॉपर सल्फेट में पड़ा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसमें वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता तो हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा की होता है इसमें जिप्सम में भी होता है ब्लू विट्रोल यानी कि आपका कॉपर सल्फेट इसमें भी होता है तो राइट आंसर इज बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता क्वेश्चन नंबर एट ब्लीचिंग पाउडर केमिकल नेम इज तो क्या है बेटा ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम इसका फॉर्मूला होता है सी ए ओ सी एल टू इट इज ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ओके नाउ व्हाट इज Uh, the chemical formula of soda ash so it is na2 co3 sodium carbonate b option is right one now what is black ash so black ash is your barium sulphide okay option a is right one 11th question the color of methyl orange in basic medium methyl orange is an uh, synthetic indicator, तो वॉट इज इट्स कलर इन बेसिक मीडियम इन बेसिक मीडियम इट्स कलर इज येलो ऑप्शन डी इज राइट वन नो सी एज यू कॉल दिस इट इज अ क्विक क्लाइम ओके ऑप्शन ए इज राइट वन देन कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो राइट वन यस तो आपका जो इसका आंसर है ना बेटा यहां पे एक और ऑप्शन आएगी ई ऑप्शन बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर ओके बोथ ए एंड बी आर राइट आंसर सो क्वेश्चन नंबर थर्टीन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स वेन हीटेड स्ट्रांगली लूज यर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ओके एंड देन दिस ड्राई कॉपर सल्फेट देयर कलर इज चेंज्ड फ्रॉम Which color to which? Your first option is blue to green. Your second option is blue to white. Then your third option is blue to sky blue. Fourth one is blue to gray. Right answer is your B part, blue to white. Now, an indicator is one kind of the following compound. यानी कि इंडिकेटर आपका क्या होता है किस तरह का होता है तो इट इज ऑलवेज वीक बेस और एसिड ओनली ओके रिमेंबर दैट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंडिकेटर इज ऑलवेज अ वीक बेस एंड एसिड ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन बेकिंग सोडा इज कंसिस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज तो बेटा हम क्या डालते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज योर बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा में हम क्या ऐड करते हैं एडिबल एसिड ऐड करते हैं ना तो दैट इज योर टार्ट्रिक एसिड ओके ऑप्शन बी इज राइट वन द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन एसिडिक मीडियम पहले हमने बेसिक मीडियम की बात की थी तो वहां पे येलो कलर था नाउ इट इज रेड ओके द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन एसिडिक मीडियम इज डी पार्ट रेड क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन व्हाट डू वी यूज फॉर फास्टर कुकिंग यस इट इज योर सोडा यानी बेकिंग सोडा ओके इट इज बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर का क्या फंक्शन है बेटा ये स्पॉन्जी और प्लफी बनाते हैं चीजों को ओके okay? देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन व्हाट इज ब्राइन तो बेटा ब्राइन आपने पढ़ा ना अल्कली प्रोसेस में तो ब्राइन क्या होता है आपका इट इज एक्वे सोडियम क्लोराइड क्वेश्चन नंबर एटीन एंटासिड इज अब ये एंटासिड क्या है इसमें से येस योर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं जब एसिडिटी हो जाती है तो डॉक्टर हमें ये एंटासिड देता है ताकि हमें रिलीफ मिले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है हमारे स्टमक में क्वेश्चन नंबर नाइनटीन व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड व्हाट इज प्रोड्यूस्ड क्या बनता है भाई यस yes. क्या बनता है बी ऑप्शन एन ए टू सी ओ थ्री यानी कि आपका सोडियम कार्बोनेट बनता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लास्ट क्वेश्चन इन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इट इज़ नॉट अ वेस्ट इट इज वाटर ओके यस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फाइव ऑप्शन सी इज राइट वन वॉशिंग पाउडर का अगर आपको आएगा तो टेन लिखोगे जिप्सम का आएगा टू लिखोगे और अगर आपको कॉपर सल्फेट का एमसीक्यू पूछा है हाइड्रेटेड तो उसमें आएंगे फाइव ओके दिस ये आपका पूरा कंप्लीट है ट्वेंटी क्वेश्चन एम इस चैप्टर के थैंक यू सो मच